कि अच्छा किया, तो फिर उस बेचारे को क्यों आपने लैब में पकड़ के रखा, उसको जेल क्यों भेजा एलएनजी के ऊपर? रेहम हमारे साथ एक कालर है, रेगुलर ये कालर है सवाल नहीं वो, बनता। बिल्कुल बनता है। और हमारे साथ लाहौर से एक कालर भी है, हमारे रेगुलर कालर है, वो कुछ आज सवाल करना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दें तो उनको लाइन पे ले जी सकते हैं। जी बिस्मिल्ला, जी 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 बिस्मिल्ला, अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी बिस्मिल्ला। सर दो तीन बातें हैं जो जी पहली बात आपसे करूँ कि आज ना वाहन की जो बदनी है, एक जगह है लाहौर के एरिया के अंदर खोखर बरादरी है, सैफ्टू खोखर आते हैं और इसमें अक्सर खोखर है, ये बरादरी है उनकी, वहां पे आज इन्होंने लड़की है कोई 9 बजे के दरमियान। आज हाँ जी, अच्छा ये रात को 9 बजे, और ये करके वापस चल गए थे, किसी को पकड़ना ना धक्का, ठीक है? ये शिदरे की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये सतरे की नहीं है, ये आती है उधर बागे की तरफ। वाघा की तरफ। अच्छा, तो क्या किसी की रेजिडेंस पे ये रेड हुई है, और किस सिलसिले में हुई है? कुछ ड्रग्स के बारे में थी या क्या था? ये रेड किए उन्होंने, मुकदमा नहीं किया, और इन्होंने जो मुकदमा अदालत में खारिज हो गया था हाई कोर्ट के पास, वो अच्छा, ये काफी रेड कॉम्प्लिकेटेड कराने सा के लिए लगता है। इनको अच्छा, तो ये इनको किसी चलने के सियासी लिए लीडर के राजपुर। घर पे हुई है ये रेड? हाँ जी, ये सैफल में खोकर है, एमएनएम। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा रेहम, क्वेश्चन आप समझ गई? ये सैफुल मलूक जो एमएनए है, पाकिस्तान जी जी मुस्लिम जी नून जी के। आज आज बेसिकली, आज बेसिकली बहुत लगता था कि कोई इमरजेंसी है मुल्क में, लगता था कोई बॉर्डर पे कोई अटैक हो गया है, कुछ शेलिंग हो रही है। इतनी भारी नफरी सैफुल्ला खोकर के घर के बाहर है कि वो मैंने 2 3 दफा देखा, मैंने कहा कोई अटैक हो गया है, क्या हो गया है, इतनी ज्यादा नफरी वो घर को घेरे में लिया हुआ है। अब ये वो जो मेरा ख्याल है कि ये जो कौमी राबता मुहिम है और ये रोकने की, जो एक्चुअली बात ये है कि इमरान अब जो जिसके आसरे पे बैठे थे ना, मैंने आपके प्रोग्राम पे एक दफा कहा था कि बड़े लाडले हमने देखे आए गए, सबसे जो जेन्युइन लाडला था, जो एक्चुअली पॉपुलर लीडर था और लाडला भी था और चहीता भी था, जुल्फिकार अली भुट्टो, 6 साल के बाद वो भी लाडले नहीं रहे थे। तो मकसद कहने का ये है कि ये तो होना था। अब चूंकि इमरान बेयारो मददगार है, अकेले हैं, तो उनको ये हरकतें करनी पड़ेंगी। मैंने आपको कहा ना कि लाहौर के जलसे में लोगों ने कहा कि पुलिस ने हमें छेड़ा ही नहीं। ये मुल्तान के दिन, मुल्तान में जब जलसा हो रहा था तो सुबह 10 बजे तक छेड़ाछाड़ी चल रही थी। आपको याद है लोगों के घरों में घुस रहे थे, उनकी बुजुर्ग वालिदैन के कमरों में घुस रहे थे, लेकिन सुबह 10 बजे कहीं से कॉल आई मुल्तान के जलसे के दिन, और लोकल डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को कहा गया कि बैक ऑफ, और उस दिन के बाद से कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई। और यही वजह है कि मियां साहब ने स्पीच में जरा हाथ हौला रखा, प्यार प्यार से काफी कुछ सुना गए लेकिन वीडियोस भी नहीं चलाई। तो ये कुछ राबते हुए हैं जिसमें कहा गया है कि सर बस कर दें और कुछ ना दिखाएं, हम कोई नहीं सपोर्ट कर रहे। तो ये जो एक सफा वाली जो जो चल रहा था ना सिस्टम, वो अब एक सफा नहीं रहा, और हुकूमत ऑब्वियसली बौखलाहट का शिकार है। मेरा ख्याल है कि जो वजारत दाखिला में मिनिस्टर भी लगाना चाह रहे थे, वो भी शायद नहीं लगा सके अपनी मर्जी का, और यही वजह है कि वजारत दाखिला ने अजीब सा एक बयान भी दिया है। इसको आप इसके साथ जोड़ के समझें कि शेख जो हैं वजारत दाखिला में जिनको अपॉइंट किया है जी, उन्होंने कह दिया है कि जी कोई मुमकिन ही नहीं है कि एक्सट्राडाइट हम कर सकें मियां नवाज शरीफ को, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे यूके के साथ ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। उन्होंने साफ जवाब दे दिया और पब्लिकली दिया है, और आपको भी पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा जवाब देने की उनकी क्या मंतक और मकसद था। तो ये अब बिल्कुल बौखलाहट नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे आप, सैफुल्ला खोकर का घर घेरे में ले लें, टीचर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, टीचर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, पीएमडीसी का एमटीआई पे प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान सारे खफा बैठे हैं, किसी के प्रोटेस्ट को रोकेंगे आप? मरियम नवाज के एमएनएस को रोक के क्या फायदा होगा आपको, कहाँ कहाँ रोकेंगे?
इमरान खान ने बात की थी कि एक एंकर ने उसे बात की कि अगर कोई 15 बंदा 16 से 17 हजार का उसका जो मंथली खर्चा है वो क्या करे, ये जो आईएमए के पास जा रहे हैं फिर से, तो उनका जवाब रिप्लाई ये आता कि तुम्हारे अगर ये वजीर आजम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है तो इसे वजीर आजम थोड़ी कहते हैं, फिर इसको सिर्फ इस्तेमाल और इसलिए सर किया जाता पहले है, सोचना चाहिए था ना, आप हमसे क्या मेरा और मतलब है, वो ये सिर्फ शिकवा कर इस्तेमाल रहे के लिए हैं। जाता है ताकि वो रास्ता क्रॉस करने के लिए होता है बस, हमने तो पहले ही और बता पाकिस्तान दिया, का हमारा तो कोई बस कसूर नहीं इसमें, आप लोगों ने वोट किया। इंसान नहीं कह सकते। अब बेर करें ना, थोड़ी बहुत तकलीफ तो फिर अब सहनी हाँ पड़ेगी, सही या सर, फिर ये है कि लॉन्ग मार्च हो रहा है, धरना हो रहा है, आप अपनी पार्टिसिपेशन जो है वहां पे शो करें और बताएं कि क्या है ये। इस वक्त अलमिया इस पाकिस्तानी कौम का यही है कि उनको इतना दबाया जा रहा है, गुर्बत से एक आम फैमिली जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है, मुल्क के अंदर नंग है, भूख है, बेरोजगारी है। आप लोग निकले, इसीलिए तो मेरा मतलब कि पीडीएम के झंडे के तले सब जमातें इकट्ठी हुई हैं और एक एजेंडा लेके चले हैं कि भाई इस भूख नांग इसके इसके साथ हमने जंग लड़नी है, और जंग से पहले जो हमने लड़नी है इस हकूमत के साथ लड़नी है, क्योंकि ये हकूमत उसको इतना इस स्टेज पे लेके आए हैं। बल्कि बहुत शुक्रिया सर आपका कॉल करने का, यकीनी तौर पे रेहम खां आगे पे कर लेती हैं कि ये क्या चक्कर चल रहा है, और पाकिस्तान की सियासत में और रेहम एस्टेब्लिशमेंट का मिक्स अचार, इसके मतलब भी थोड़ी सी बात कर दें कि ये कैसे होगा कि पाकिस्तान की सियासत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों इकट्ठा मिक्स अचार बना होगा, या इसको आने वाले वक्त में आप एक सेपरेट देख रही हैं और इनको आईन और कानून की हदूद के अंदर रहना पड़ेगा, इसके मतलब भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें, और उसके बाद यकीनी तौर पे जो है ना वो हम नाज़रीन से ये कहना चाहते हैं कि रेसिपी है जो गुलाब जामुन की वो अभी आने वाली है, स्टे ट्यून विद अस, बिल्कुल ओके, तो वी आर गुलाब जामुन रेसिपी प्री सोन, रेहम खां की स्पेशल वो है, तो हम रेहम इसमें इसमें मैं ये कहूंगी कि हमारे जो ख्वातीन है ना, हमारे जो पाकिस्तानी घराने हैं, तो जाहिर है कभी कभी इंसान थोड़ी सी डंडी मार लेता है, तो मुझे पता चला कि बहुत सी हमारी बहनें हैं कि जो घरों में जब रसमलाई बनाती हैं तो वो नीडो से रसमलाई बना रही हैं। ये मेरी बहनों को समझ आएगी कि जैसे गुलाब जामुन बनाया जाता है मिल्क पाउडर से, अदर ब्रांड्स आर अवेलेबल, नीडो का मैंने नाम ले लिया, लेकिन वो तो मैंने बड़े बच्चों को बताया, मैंने कहा ये रसमलाई ऐसे नहीं बनाई जाती बेटा, नीडो से नहीं बनती, ये तो मिलावट है। मैंने कहा नहीं नहीं हम तो सारी उम्र ये बनाते रहे, मेरी आप रसमलाई खाएं। मैंने कहा जी रसमलाई नहीं है ये तो गुलाब जामुन दूध में हुआ, रस मलाई बनती है एक डिफरेंट प्रोसेस से, कि आपको दूध को फिटाना पड़ता है, उसका कर्ड बनाने पड़ते हैं इस तरह। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं ना ये डंडी ना मारे, मिलावट ना करें, मेरी हमारी बेगम जो भी मारती है, एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि मेरी रसमलाई बेगम जो बनाती है। ये मारती है, बनी बनाई वो लेके आ जाती है, वो बनाने से नहीं कहती है दिल देखिए लपकता हम सा। जो वो देखिए हमें 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 बनी बनाई भी नहीं चाहिए, हमें बना बनाया सिलेक्टेड भी नहीं चाहिए, और हमको नीडो वाला वजीर आजम भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए बिल्कुल असली, हमको चाहिए चना वाली रसमलाई जो जेन्युइन असली, हो। हाँ तो बैरक्स में आपको वापस जाना पड़ेगा, हमको बिल्कुल आपका जो क्रिएटेड कठपुतली है वो भी नहीं चाहिए, और हमको एक मजूर डाइल्यूटेड रेहम, फेक कहीं वजीर टेक आजम या ओवर हुक्मरान जमात नहीं फॉर चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैन यू टेक ओवर फॉर 2 मिनट्स ओनली। जी जी एब्सोल्युटली। सो ओके बेसिकली ये जो हम एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, मैंने आज एक ट्विटर पे आप देखें तो मैंने डेली हिस्ट्री डोज के नाम से अब मैं ट्वीट्स करती हूँ, और वो मैं सबकी इतला के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए करती हूँ, कभी ऐसी वीडियोस भी लगाती हूँ जो कि जिससे मैं अग्री नहीं करती, और कभी अक्सर औकात ऐसी वीडियोस और हिस्ट्री तारीख आपको एक डोज देती हूँ कि आपको समझ आए और आप खुद अपने लिए यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। आज मैंने लगाया है एक जो मेमो गेट का बड़ा एक चर्चा था, और वो कुछ सालों पुरानी स्टोरी है, और उसमें जो बात की जाती है, फरीद जकरिया साहब इंटरव्यू ले रहे हैं और उसमें जो बात की जाती है, तो वो जो इंटरव्यू में वो एजाज साहब कह रहे हैं,
जिनका आपको याद है बड़ा स्कैंडल, बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी मेमो गेट की, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में शायद ऐसा ना हो कि एस्टेब्लिशमेंट बेदखल हो जाए, लेकिन हो सकता है कि हम थोड़ा सा हिस्सा डाल सकें कि जहां हम साफ तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मकाम पे मुल्क में तारीख में पहुंच सकें कि जहां हम कुछ कम से कम सियासी किरदार एस्टेब्लिशमेंट के बराबर आ जाए। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये कुछ साल पुरानी उनकी ख्वाहिश और उनका इंटरव्यू था, और हमने देखा है कि 2020 में हमने वो ख्वाहिश से जो इम्पॉसिबल समझा जा रहा था, बिकॉज मेरी डिक्शनरी में तो इम्पॉसिबल कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, देर इज नो सच थिंग इज इम्पॉसिबल, वही चीज हमने मियां नवाज शरीफ के मुंह से सुन ली, बाकी कायदीन के मुंह से भी सुन ली कि आर्मी का जो रोल है वो आर्मी का रोल है, यानी मुल्क के मुहाफिज हैं, एक प्रिविलेज्ड ऑनरेबल रोल है, वर्दी में सितारे लगाए हुए आप हमारे मुहाफिज हैं, आप हमारे शुहदा हैं, आप हमारे गाजी हैं, आप हमारे जवान हैं, और ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, सो यू आर आर पासवान। लेकिन जो सियासत है वो सियासतदान का काम है, और कौन सुप्रीम है? पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसलिए क्योंकि वो जमहूरी आवाज है, जमहूरियत और अपने हलकों के नुमाइंदे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ ये कि अब हम सर्टनली सियासत और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बराबर तो ऑलरेडी आ गई है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल अनकरीब में हम देखेंगे कि सियासी रोल जो है एस्टेब्लिशमेंट का रोल कम और सियासत का रोल का अपर हैंड, ये हम देख रहे हैं, और इट्स ऑल हम नहीं सोच सकते थे 2019 में, नहीं सोच सकते थे जब 2019 में एस्टेब्लिशमेंट सॉरी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन हुई, तो हम 2019 में काफी दिल बर्दाश्त हो गए थे, लेकिन अगेन इम्पॉसिबल इज नथिंग। 2020 में हमने वो बातें सुनी, वो बातें होती हुई देखी हैं जो पहले मुमकिन नहीं थी, और आज पंजाब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, DGISI हो, आर्मी के अहदेदार हो, दिफाई तजिया नगार हो, सबको बड़ी खरी खरी बातें सुननी पड़ रही हैं, और ये हम नहीं सोच सकते थे जिया के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में, नहीं सोच सकते थे, कियानी साहब के दौर में हम ये नहीं सोच सकते थे कि ऐसा दिन आएगा, वो दिन आ गया है। इसका मतलब है कि इससे अच्छे दिन भी आना एन मुमकिन है, और ये कब मुमकिन होगा? ये मुमकिन इस वजह से नहीं होगा कि मरियम नवाज बोल रही हैं, या बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं, या मौलाना साहब बोल रहे हैं, ये तब मुमकिन होगा जब हम इनको बार बार याद दिलाते रहें बहैसियत पाकिस्तानी सिटीजन कि आपने ये करना है, आपने ये बोलना है। और पीटीआई के सपोर्टर से जो गलती हुई है वो ये है कि जब यू टर्न नजरिए से लिया गया, जब चेयरमैन पीटीआई ने नजरियात से यू टर्न लिया, जब उनकी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, जब इलेक्टेबल्स ने स्टेटस को ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया, तो पीटीआई का सपोर्टर और वोटर उनकी हिमायत करता रहा, उनको तनकीद नहीं की, और उनको उनको उनका एहतसाब नहीं किया, यू डिड नॉट होल्ड देम अकाउंटेबल, आप वोटर थे पीटीआई के, और अगर आप ये ऐसा करते तो पार्टी भी सुधर जाती, संभल जाती, और आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तो मेरा ख्याल है पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपीपी हो, जेयूआई हो, दीगर जमातें हो, आपको जो वोटर है उस जमात का, आपको अपनी जमातों को, खुसूसी तौर पे पीडीएम में जो जमाते हैं अब नौ रह गई हैं, उनको बार बार उस बयानिए के ऊपर जुड़े रहने का मुतालबा करना पड़ेगा। आपको उनको पीछे हटने नहीं देना, आपको उनकी सपोर्ट भी करनी है, बाहर भी निकलना है, लॉन्ग मार्च पे भी आना है, पहिया जाम हो या बॉयकॉट हो, कुछ भी हो, उस कॉल को भी आपने उसमें भी पूरा उतरना है, लेकिन आपको ये भी कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब आपने हमें ये कहा था, मरियम नवाज साहिबा आपने हमें ये कहा था, बिलावल भुट्टो साहब आपने कहा था नो डायलॉग शायलॉग, मौलाना साहब को आपको कहना पड़ेगा कि आप तो कह रहे थे कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये सारी बातें आपको बहसियत कौम के, बहसियत सपोर्टर के, बहसियत वोटर के, बहसियत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बार 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 एहतसाब उनका भी करें, गवर्नमेंट का, लेकिन ऑपोजिशन जमातों का, पीडीएम का भी करें कि
कि यू हैव टू मेक श्योर कि जिस चीज पे हमें आपने आमादा किया है और पब्लिक का की डिमांड है। आज मुझे कोई कह रहा था कि जी पब्लिक का तो डिमांड नहीं है, ओपिनियन की डिमांड है। मैं बिल्कुल इससे इख्तलाफ करती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये टीचर जो बाहर निकले हैं, ये किसान जो बाहर निकले हैं, जब टीचर्स पे शेलिंग हो रही है, जब किसानों पे शेलिंग हुई, जब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन निकलते हैं, वुकला निकले थे पिछले दिनों, स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स निकल रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन निकल रहे हैं, मीडिया वाले निकलेंगे, प्रेस निकलेगी, ये सब जेन्युइन प्रोटेस्ट है। और इस एहतजाज में, इस लॉन्ग मार्च में, इन जलसों में और 2014 के जलसे में ये फर्क है कि उस वक्त उनका जो लीडर भी था, चेयरमैन पीटीआई भी जो था और तारुल कादरी भी जो थे, वो भी नवाज शरीफ की ना अहली नहीं कह रहे थे, ना अहली चूंके नहीं थी उनकी, ना अहली की निशानदेही नहीं कर रहे थे। आज सब लोग ना अहली की बात कर रहे हैं, इनकॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, मईशत के कत्ल की बात कर रहे हैं। और ये मरियम नवाज भी कर रही है, बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं, लेकिन आम लोग भी कह रहे हैं। अदरक 1,000 रुपए की अगर हो गई है तो ये आम लोग कह रहे हैं। और इसी तरह गार्डियन भी लिख रहा है, फॉरेन जर्नल्स भी लिख रहे हैं, अल जजीरा के ऊपर भी बातें हो रही हैं। ये फर्क है। 2014 में ये तनकीद नहीं थी नवाज शरीफ पे। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही खावर साहब। इमरान खान साहब दो दो घंटे का टीवी एंकर्स के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और फरमाइशी प्रोग्राम है वो सारे, मगर सच जो है उससे वो एहतसाब कर रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं हर चीज का। अब सवाल ये है कि इसी आड़ में जो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजल रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट से जो मुतालबा कर दिया है कि क्या इसमें इमरान खान की जो हुकूमत जो है ये ज्यादा देर ठहर पाएगी, ये जो नए मुतालबात सामने आ रहे हैं इनके नतीजे में? मेरा ख्याल है कि इमरान से जो सबसे बड़ी गलती हुई है जिंदगी में वो ये है कि उन्होंने अपने मकाम को नहीं समझा। और लेकिन जब भी किसी शख्स में अना आ जाती है और जाती मफाद टेक ओवर कर जाता है, हम इंसान हैं, हर एक से थोड़ी बहुत भूल तो हो ही जाती है, लेकिन इमरान ने जो गलती की है, आज इमरान को सिंगल आउट करके लोग कसूरवार ठहरा रहे हैं। आप यकीन करें कि पीएमएलएन की ये बात करते हैं ना कि इलेक्शंस और जिमी इलेक्शंस, इस वक्त पीएमएलएन का तो मीम शीम लाम गाफ नहीं बना, नहीं बनेगा, क्योंकि ना शहबाज शरीफ इतने ना वो डिसलॉयल है, फैमिली वैल्यूज उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो अनइंटेलिजेंट भी नहीं है। उनको भी पता है कि बड़े भाई की क्या विजडम है, 3 बार वजीर आजम कोई बनना मजाक तो नहीं है। लेकिन पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, पीटीआई वाले बार बार रابطे कर रहे हैं मियां साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए रابطे करते, प्लीज हमें बचा ले। वो इस हुकूमत से खुश नहीं है। और इस वक्त जो जो गालियां पड़ रही हैं और बददुआएं पड़ रही हैं, वो इस वक्त इमरान की जात को पड़ रही हैं, जात को पूरी पढ़ पीटीआई रही। को नहीं पड़ रही। और इस वक्त चूंकि इमरान जातियात पे और इंतकामी कार्रवाई पे, जैसे शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, सबके पीछे जाती तौर पे पड़े हैं, उसका एसी निकाल दूंगा, इसको जूस बंद कर दूंगा, इसको मैं रुलाऊंगा, वही मसला हो गया है कि अब पीटीआई कहती है ये बंदा ऊपर बैठेगा तो हम नहीं चल सकते। और पीएमएलएन भी ये कहती है, पीपीपी भी ये कहती है, वो कहते हैं ये बंदा, इसके साथ बात नहीं हो सकती। और इसका ताल्लुक पीटीआई की इनकॉम्पिटेंस से नहीं है, इसका ताल्लुक उनकी जात से है, क्योंकि मुल्क तबाही तरफ रवान दवा है और वो घर में बनी गाला में बुला रहे हैं अपने स्पोक्स पर्सन को, चहीतों को, और उनको व्हाट्सएप पे बता रहे हैं कि ये अटैक करो, वो अटैक करो। ओ भाई, 1% पे थी फूड इन्फ्लेशन, अशियाए खुर्दोनोश, खाने पीने की चीजें 1% उनकी महंगाई थी जब पीएमएलएन का दौर खत्म हुआ 2018 में। दुरुस्त बात। आपके दौर में इमरान ने 2.5 साल में 15% कर दी है।
और ये खुद किया है, ये कत्ल मईशत का आईएमएफ ने नहीं कहा कि आप करें। असद उमर साहब टीवी पे आके कहते हैं कि हमने, और टीवी में अंग्रेजी में इंग्लिश, ये डार साहब के इंटरव्यूज का क्रिटिसाइज करते हैं, इनको पुराने अपने इंटरव्यूज दिखाए जो इंग्लिश में फॉरेन मीडिया को बता रहे हैं, धड़ल्ले से अपनी बेवकूफियां बता रहे हैं कि हमने तो पहले 100 दिन में बिजली बढ़ाई, महंगी की, गैस महंगी की, रुपी को गिराया, डिवैल्यू किया, टैक्सेस बढ़ाए, और साथ कहते हैं आईएमएफ ने हमें नहीं कहा था। तो आईएमएफ ने नहीं कहा था, एम्बार्गो नहीं था, सैंक्शन नहीं थी, तो आपने गरीबों के साथ क्या इंतकाम लेना था कि आपने उसी मुल्क में उसी अवाम को पहले 100 दिन में आके उन उनके ऊपर भी इंतकामी कार्रवाई की। हम और अभी फिर ये एक साल तक आईएमएफ नहीं गए, एक साल लटकाया, और फिर कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ बुरा और इसहाक डार बुरा और शाहिद खाकान अब्बासी बुरे। सो मकसद कहने का यह है कि लोग पीटीआई में ये कहते हैं कि ये बंदा, इसको हटाएं, पीएमएलएन कहती है इस बंदे को हटाओ, क्योंकि वो गैर संजीदा है। जो शख्स शहबाज शरीफ की तरफ कमर करके पार्लियामेंट में बैठता था, जो के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के साथ बात करने को तैयार नहीं था, बिलावल भुट्टो की स्पीच सुनने को तैयार नहीं था पार्लियामेंट में, आज वो कह रहा है कि मैं तो कह रहा हूँ आए बातचीत करें, पार्लियामेंट ही तो प्लेटफॉर्म है। वो भाई तुम 2.5 साल जब बैठे हुए थे वहां पे तो क्या तावन किया तुमने, कौन सा तुमने पार्लियामेंट को ऐसा एक एवेन्यू बनाया जहां आके कोई बात, तुम तो सलाम तक नहीं करते थे, तुम तो चेहरों से मुंह फेर के रूठ के बैठे होते थे, तुम तो उनको डाकू और चोर कहते थे, अब कहते हो मुझसे बात करें। लोग कहते हैं इस बंदे की प्रेजेंस में हम बात नहीं कर सकते, और आज पिंडी भी ये कह रहा है, पिंडी भी यही कह रहा है। रहम, अभी एक इमरान खान की स्टेटमेंट सामने आई है कि जनरल बाजवा जो है वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, उधर से वीना मलक ने भी कहते एक बयान दाग दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं शर्म है आप पर यकीन रखती हूँ। तो और बाय द वे आप बाजवा साहब देखे, जी जी गो है, नहीं आए आप बात कर रही थी ना, आप कुछ कह रहे थे, आप बात मत करो। बिजली की प्राइसेस की 35 रुपए जो वज़ीर-ए-आज़म ने जी जी वो उसकी मंजूरी दे दी है, जो आईएमएफ का जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरे मत है कि 35 रुपए, बेरोजगारी इतनी है, आवाम का बुरा हाल है, वो बहुत ही एक मिजरेबल लाइफ जो है, एक आम तबका जो है पाकिस्तान का जिसको एक वक्त की रोटी नहीं है, लोग बेरोजगार हुए हैं, 35 रुपए पर यूनिट जो है फिर कीमत बढ़ा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं? ये तो आने वाले वक्त में ये है कि लोग या तो खुदकशियां करनी शुरू कर देंगे या हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। इन्होंने इस मुल्क को अथोपिया जैसा मुल्क बना दिया, बनाना रिपब्लिक जैसा मुल्क बना दिया, तो ये कहाँ पे हमें ये सारी जो चीजें जो लेके जाएंगी। दूसरी तरफ ये है कि मैं बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ आपके साथ कि ये पाकिस्तानी मीडिया को जो लाहक बीमारी पैदा हुई है, ये इनकी कैसे खत्म हो सकती है? आई मीन हाउ दे कैन डू इट। आप देखिए कि लाहौर का जलसा देखे, जिस तरह इन्होंने पीडीएम के खिलाफ जो प्रोपोगंडा किया, एक खास मखसूस एक टीवी स्टेशन है ARY, उन्होंने तो यहाँ कह दिया जी, वो जब मरियम जो है वो घर से चली थी जाती उमरा से, कि जलसा गाह बिल्कुल खाली पड़ी है, जब उन्हें बढ़ना शुरू हुआ तो प्रॉपो करना शुरू कर दिया जी ये कोरोना वायरस इसको ले लेगा। तो वेयर वी स्टैंड दो नाउ, आई मीन सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स, कैसे देख रही हैं ये लॉन्ग मार्च आने वाला जी? देखिए ARY को तो सौ खून माफ है, लेकिन जंग को, न्यूज इंटरनेशनल को भी नहीं नजर आया। आपने अखबार देखा होगा फ्रंट पेज, जलसे के दूसरे दिन उनको बुजदार साहब भी दिखाई दिए। बात यह है कि देखें, कौमें या कौमियत से बनती हैं, यानी कि आपका एक रंग हो, एक नस्ल हो, और या फिर एक कॉमन गोल से बनती है। जो नजरियाती मुल्क होता है पाकिस्तान की तरह का, क्योंकि अपनी नौयत का ये बहुत ही मुनफरिद मुल्क है कि हम में एक कौमियत नहीं है, एक रंग और एक नस्ल और एक जबान, एक लिसानियत हम सबकी नहीं है।
हम बहुत से कौमियत कौमों और नस्लों का एक मजमुआ है, बड़ा खूबसूरत मजमुआ है। आई लव दैट। यू नो, मैं समझती हूँ कि जहाँ उर्दू जबान बहुत खूबसूरत है, लेकिन पंजाबी अच्छा लगता है जब कोई पंजाबी असेंबली में बोलता है या पंजाबी की स्पीच करता है, जब पश्तून अपने लहजे में उर्दू बोलता है या पश्तो बोलता है, सिंधी सुठो सिंधी मीठी लगती है, बलूची जबान, ये गिलगिती चित्राली, ये लेकिन हमने इनको मुतहद नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एक कॉमन गोल नहीं है। जैसे अमेरिका में आप रहते हैं, आपको पता है कि वहां पे कैपिटलिज्म एक सोच है, सब लोगों को, बच्चों को, हमारे यूएस में बच्चों को एक कॉमन गोल है, सब अमेरिकन फील करते हैं। दे डोंट फील कि मैं मेक्सिकन हूँ, मैं क्यूबन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, दे फील अमेरिकन, क्योंकि वो एक, उनको अगेन एक मजमुआ है। पाकिस्तान में हमें एक कॉमन गोल देने की जरूरत थी। और आप, मुझे लगता है कि पीडीएम के फोरम से और अब जो ये तहरीक चली है जमहूरियत की और राइट्स की, हम मुत्तहिद हो सकते हैं। और उसमें मीडिया इनफरादी तौर पे, मतीउल्लाह जान हो, असद तूर हो, हमारे बाकी जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो माजरत के साथ, हमारे सोशल मीडिया पे भी बड़े लोग काम कर रहे हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ खामोश भी हो गए हैं, लेकिन उसमें जो हमारे, सैडली, जो मीडिया मालिकान हैं, उन्होंने पहले इमरान खान को क्रिएट किया, पहले एक प्रोपेगेंडा किया, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, उसके बाद अब आप अपनी बिजनेसेस चला रहे हैं। और सहाफत सही मानों में कुर्बानी मांगती है, और सहाफत लोगों की, मुल्कों की, कौमों की तकदीर बदल सकती है, अगर सहाफत हो, अगर सच्ची सही सहाफत अगर सहाफत हो, क्योंकि ये भी एक बड़ा पैशनेट काम है। हो। और देखिए, जब हमारे बड़े जो हैं मीडिया मालिकान जो हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जब वो किफायत शारी से सहाफत करेंगे, और हम रोज देखते हैं, मेरे बारे में भी मैं देखती हूँ, मेरे भाई हैं, जानते हैं, हकीकत जानते हैं, जब मैं देखती हूँ कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुमने ये खबर लिखी, अगेन मैं कहती हूँ रेहम खान के बारे में आप लिखेंगे, अल्लाह अल्लाह मुझे इज्जत और रिज्क और हिफाजत देने वाला है, लेकिन कौम के साथ आप बर्बादी ना करें ना, ये कौम की, कौम के मफाद के साथ किफायत शारी ना करें। देख रही हूँ मैं मीडिया मालिकान को, और बड़े बड़े मीडिया मालिकान, फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने तो उनको कभी गालियां नहीं दी, इसी मीडिया को, ये इमरान साहब भी थे जो गालियां देते थे। और ये इस वक्त, अगर आप, इफ यू आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, आई विल नॉट फॉरगिव यू, दिस कंट्री, दिस नेशन विल नॉट फॉरगिव यू, एंड यू हैव टू लिव इन दिस कंट्री, यू विल रिग्रेट इट। आज आप जिनको सलूट मार रहे हैं, और कुछ इश्तिहारों की खातिर, अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए, तकालीफ ना उठाने की खातिर, आप जो लोगों के सर पे कुर्बानियां दे रहे हैं ना, आप ये पछताएंगे, बिल्कुल आपको इसका बहुत ज्यादा पछतावा होगा। और आपका पछतावा ये नहीं होगा कि नवाज शरीफ आके आपसे इंतकाम लेगा, आपके बच्चे इसी मुल्क में रहते हैं, आप ही की बिजनेसेस, जब आप इस तरीके से एक गलत निजाम को सपोर्ट करेंगे, तो आज आपको दो तीन इश्तिहार मिल जाएंगे, आज आप रेहम खान का नाम एडिट कर देंगे, या जहां पे कुछ लिखना है वहां पे कुछ और लिख देंगे, राइट फैक्ट्स राइट को भूल जाएंगे, लेकिन लेकिन आपकी, अगर मुल्क की मईशत तबाह होती है, मुल्क की जब मईशत तबाह होगी, तो क्या मीडिया मालिकान की के जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, रोजगार है, इस मुल्क से नहीं जुड़ा हुआ? बिल्कुल हम जुड़ा खान के हुआ। कोई दुश्मन तो नहीं है, लेकिन हम अवाम के दुश्मन नहीं है, हम अवाम के दुश्मन नहीं है। आज आप मुझे बताएं, शर्म का मकाम नहीं है कि पूरे साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, हमारी जो जो हमारी इन्फ्लेशन है वो सबसे हाईएस्ट है, 11.5% पे है मजमूई तौर पे इन्फ्लेशन, और आपकी बांग्लादेश में 2, सॉरी अफगानिस्तान में 2।